खोर, तेरी इतनी हिम्मत हो गई मुझे शर्म नहीं आती ऐसी बेहुदा हरकतें करते हुए। शर्म आने चाहिए। नहीं मैं, छोड़ दो उसे, नहीं मैं, छोड़ दो। एक गिरी हुई औरत हो, ये बेहुदा काम कब से कर रही हो, वो भी एक औरत के साथ। पाप है ये, नाजायज है ये। ऐसी घिनौनी हरकत की है, तू माफी के लायक नहीं है। ये नीच काम कब से कर रही हो मुझे बताओ। मुझ पर भरोसा करो मैट, मैं ये पहली बार कर रही हूँ। तुम पे भरोसा कैसे करूँ मैं, तुम एक नीच। क्यों मुझसे दिल नहीं भरा क्या, जो एक मैं तो तुम्हें एक बहुत अच्छी औरत समझ रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता, कतई नहीं। इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी, वो भी इसी वक्त। छोड़ दो मैं, तुम्हारा बच्चा पेट में है। मेरा बच्चा? तुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा इस घिनौनी और गंदी हरकत के लिए। जन्म नहीं दोगी, समझी? तुम औरत के नाम पर एक कलंक हो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देखो इस आईने में अपनी सुंदरता को आखिरी बार देख लो, ताकि तुम्हें पछताना ना पड़े। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैथ्यू एलायस। तुमने जो मेरे और मेरे बच्चे के साथ किया है, इसका बदला लेके रहूंगी। मुझे बच्चे के साथ मार डाला तुमने, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हर जन्म में नहीं छोड़ूंगी।
लगता है कोई शैतान की जगह में आ गए हम। बड़ी अजीब जगह है, कुछ बताओ तुम। भरोसा नहीं हो रहा है हम यहाँ पहुँच गए। जानती हूँ, जरा सोचो, कुछ ही देर में हम मिलने जा रहे हैं मैट एलियस से। मैं इंतजार नहीं कर सकती। तुम्हें भरोसा है हमें एल्बम में काम मिलेगा? क्यों नहीं, हमारी जोश भरी जवानी काफी है उसके लिए। हम हर बात में आगे हैं। भगवान करे हमारी इच्छा पूरी हो और कोई मुसीबत ना आए हम पर। प्लीज, हम किसी का खून थोड़ी कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, हमें बाहर कर देंगे। अगर अरेस्ट किया तो? समय बचा है उसके आने में, क्या करें अब बोलो। पता नहीं, जैसा तुम कहो वैसे ही करते हैं। वैसे तुमने कभी सुना है ब्लडी मैरी के शॉप के बारे में? नहीं, कोई शैतान की कहानी है? तुम्हें बताऊं क्या? हाँ बताओ। बहुत साल पुरानी बात है, एक सुंदर बहुत प्यारी लड़की थी, उसका नाम मैरी वर्थ था। उसके पति का नाम मैट इलियास था। वो शक्की मिजाज का आदमी था। उसे हमेशा डर रहता था कि कहीं उसकी सुंदरता के कारण वो उसे बेवफाई ना करे। तू हरामखोर! नहीं मैट, उसे छोड़ दो, छोड़ दो मैट, तुम्हारा बच्चा पेट में है। तुम औरत के नाम पर एक कलंक हो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देखो इस आईने में अपनी सुंदरता को आखिरी बार देख लो, ताकि तुम्हें पछताना ना पड़े। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैथ्यू एलाइस। तुमने जो मेरे और मेरे बच्चे के साथ किया है, इसका बदला लेके रहूंगी। मुझे बच्चे के साथ मार डाला तुमने। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हर जन्म में नहीं छोड़ूंगी। ये बात है क्या, आज के जमाने में ये सब मानती हो तुम? इसमें कोई सच्चाई है? हाँ मैं मानती हूँ, मैंने उन्हें देखा है। क्या मतलब है तुम्हारा, तुमने कोई फोटो देखी है? नहीं, फोटो में नहीं, आईने में देखा है। हम अपनी आंखें बंद करके आईने के सामने खड़े होकर, ठीक है, ब्लडी मैरी का नाम 3 बार पुकारे तो आंखें खोलने पर आईने से बाहर निकल के वो सामने होती है। सच? क्या? बिल्कुल सच है। और अगर तुम उससे देखकर नहीं डरोगी तो वो तुम्हारा भविष्य बताएगी। अगर तुम डरोगी तो वो तुम्हें मार डालेगी। ओह कम ऑन, ये बिल्कुल झूठ है। तुम भरोसा करो या ना करो, मैं करती हूँ। मुझे भरोसा नहीं तुम पर। वैसे तुम कह रही हो तो कोशिश तो करके देखती हूँ, ये बात सच निकली तो मानूंगी तुम्हें। ओके, अगर तुम में हिम्मत है तो उन्हें बुला के देखो तो। नहीं, मुझे इतना शौक नहीं है। ठीक है, तो मैं जो करूंगी तो भी वही करो। ठीक है, तुम जैसा चाहो, वैसे मैं डरती नहीं हूँ। ठीक है, मैंने जैसा सोचा था तुम बिल्कुल वैसी ही हो। क्या? अगर हमारे बुलाने से वो आएगी तो तुम बिल्कुल मत डरना। क्या मतलब, इससे डरूंगी? ये बात तुमने सही कही। तो ऐसा करते हैं कि हम उसे बुलाते हैं, वो तुम्हारा भविष्य बताएगी। ठीक है, तुम जैसा कहो। शुरू हो जाओ। Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Oh!
आ गया हूँ मैं दिल बहलाने, तुम्हारा डायमंड डेव बॉम्बे। अपनी मनपसंद के गाने सुनिए मस्ती में। आप लोगों के लिए नई बात ये है कि आपका फेवरेट मैट इलियस एक नई म्यूजिक एल्बम बनाने जा रहा है। तब तक उनका पुराना एल्बम रिपीट सुनिए। मैं चला अपनी ड्रिंक लेने। Take me now, take me, baby, yes, I'll be your man. I don't need another, no other lover can do what you can. Take off your armor and then lay down your sword. Move in much closer, hear the pounding of the drum. Do you hear that boom? Baby banging on my ribcage. Do you feel that boom boom? Baby banging on my ribcage. Up on my ribcage. Wish I had a switch to shut off every little glitch in my head. A robot, so don't you ask me to stop loving you yet. Cause I can't, no I can't. I dig myself deep and I need no protecting. And I'll keep on dancing with the pounding of the drum. Do you hear that boom boom, baby, banging on my ribcage? Do you feel that boom boom? Baby banging on my rib cage. Up on my rib cage. Just don't stop. Baby, just don't stop. Just don't stop. Baby, just don't stop. Don't you wanna take me now? Take me, baby, yes, I'll be your man. I don't need another, no other lover can do what you can. Don't build your walls, cause your bricks will only fall. Open your hands and then lay down your love. Lay down your love. Hear that boom boom, baby, banging on my ribs. Feel that boom boom, baby, banging on my ribcage. Up on my ribcage. Boom boom, baby, banging on my ribcage. Do you feel that boom boom, baby, banging on my ribcage? Just don't stop. Up on my ribcage. Just don't stop. Up on my ribcage. Just don't stop. Baby, just don't stop. हेलो मम्मी। हाय बेटी, तुम कैसी हो? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं मम्मी, अभी अभी तो बाहर निकली हूँ। कुछ नहीं, बस ऐसे ही फोन किया था। वैसे मैं वहीं से जाने वाली हूँ, सोचा तेरे साथ लंच पर चलूं। आज नहीं होगा मॉम, आज तो मुझे शूटिंग पे जाना है। ओह, तुम अभी भी ये सब कर रही हो? हाँ मॉम, यही तो कर रही हूँ मैं। तुम ये समझ नहीं पाओगी, मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है। जानती हूँ, लेकिन कोई बेहतर काम करते हुए साइड में ये कर सकती हो ना? सुनो माँ, मैंने पहले भी कहा था ये शायद तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन मुझे पसंद है। अगर आप नहीं कर पाऊंगी तो कभी नहीं कर पाऊंगी। ऐसा तो नहीं है कि काम करने से जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक साल के बाद भी तो मैं अपना करियर बना सकती हूँ। जानती हूँ, बस समझा रही थी। बस माँ, सिर्फ एक सेमेस्टर बचा है ना। ठीक है, अगर तुम्हें इसी में खुशी मिलती है तो। हाँ सही है, ठीक है। मुझे अभी देर हो रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है? ठीक है बेटी, बाद में बात करेंगे। आई लव यू। आई लव यू टू। Thank you.
टाइम कम है, काम शुरू करना है। ठीक है कोई भागेगा नहीं, तुम चिंता मत करो, पहले मुझे सामान तो निकालने दो। भगवान करे वो जल्दी आ जाए। कौन? रीड? उसकी चिंता मत करो, वो आ जाएगा। वो शूट करने के लिए कुछ भी कर सकता है, दुनिया में शूट के लिए सब कुछ कर सकता है। हाँ तुम सही बोल रहे हो, नहीं तो हम दोनों को शूट में प्रॉब्लम आ जाएगी। वही तो। ओ, देखो चेट भी आ गए। सब हो क्या रहा है? अरे तुम लोगों ने समझ कैसे लिया कि ये जगह शूटिंग के लिए काम आएगी? हैं, मैट एक स्टार है, समझी तुम? बहुत बड़ा स्टार है। अब तुम लोग उसे समझ लो कि वो एक बहुत बड़ा स्टार है। हाय चेट, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये जगह बहुत अच्छी है, बाहर से ऐसी लग रही है लेकिन अंदर जाएंगे तो मजा आएगा। आप देखिए, इस जगह की एक खासियत है। हाँ हाँ, खासियत तो है, चाहे जो भी हो ये जगह मुझे बहुत बेकार लग रही है। हो सकता है बेकार जगह है, लेकिन ये किसकी गलती है? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे पास पैसा है लेकिन चेकबुक तो आपके हाथ में है। $1,000,000 वीडियो करना है तो पैसा खर्च करो। काम की लगती हो, मैं तो दे दूंगा सब कुछ, लेकिन तुम करके दिखाओ तब पहचानो तुम्हें मैं। क्या तुम? कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ। वैसे आपको बता दूं, आपका अवार्ड विनिंग डायरेक्टर भी आ गया है। ठीक कहा, शूटिंग के लिए अच्छी जगह है और ऊपर से एक महान डायरेक्टर भी आ गया है। चलो देखते हैं। चेट, आप जानते हो उसका कितना बड़ा नाम है? काम करवाने के लिए तो मानना ही पड़ता है। हाँ, वो वक्त पे पहुँच तो गए, और क्या चाहिए आपको? हो सकता है। हे वीर, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ माय डियर, तुम बताओ? मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें म्यूजिक प्रोड्यूसर चेकपुर से मिलाती हूँ, वो भी आ गए हैं। ओह, चैटवुड, चलो फिर मिलते हैं तुरंत। वीर, कहो। ये चेकबुक है और चैट, ये है वीर ब्राइसन। आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। मुझे भी लगता है हम पहले मिल चुके हैं कहीं पर। हाँ, हो सकता है, मैं हमेशा सब भूल जाता हूँ, मुझे कईयों के नाम याद नहीं रहते, समझ रहे हैं ना आप चैट? हाँ, अच्छी तरह समझ रहा हूँ। वैसे बहुत साल हो गए, शायद 2-3 साल। ओ ये शायद हो सकता है, पर मेरी बात मानिए, ये जो हम शूट करने जा रहे हैं इससे बड़ा नाम मिलने वाला है, क्या कहते हो? चलिए बातें बहुत हो गई, काम शुरू करते हैं। मैट का क्या होगा? वो तो बाद में आ जाएगा, चलो अंदर चल के काम करते हैं। हेलो मिस पेज, कैसे हो तुम? और माइक, तुम कैसे हो? ओ, मैं तो ठीक हूँ। दैट्स गुड। आपकी शूटिंग के लिए शुभकामनाएं, मजे करो। थैंक यू। ओ ओ ओ ओ, रुकिए मिस्टर वुड, ये कौन है? ये मेरे साथ आई हैं, ट्विडल। अरे ये तो लिस्ट में नहीं है मिस्टर वुड, और अगर लिस्ट में नहीं है तो वो अंदर नहीं जा पाएगी। ये सेट बहुत छोटा सा है, यहाँ लिखा है आपका नाम मिस्टर चैटवुड, साथ में कोई प्लस वन नहीं है, और अगर कोई प्लस वन नहीं है तो मेरा मतलब आप प्लस वन नहीं ले जा सकते, और ये आपके साथ बिल्कुल अंदर नहीं जा सकती। अरे मुझे इस लिस्ट से कुछ लेना देना नहीं है, ये शूटिंग मेरी है और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है, ये एक बहुत ही छोटा सेट है, समझे आप? सुनिए मोरान, आपको मैं कितना दूं कि आप हम दोनों को अंदर जाने देंगे? वैसे कोई बात नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों का सामान चेक करके छोड़ने ही वाला था, बस आप बिल्कुल जा सकते हैं। माइक, कुछ प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं मिस पेज, मिस्टर वुड और उनकी गर्लफ्रेंड बस अंदर आने ही वाले थे, सही कहा ना सर? आप लोगों को शूटिंग में देर न हो जाए, काम में कोई रुकावट न हो, आप जाइए। वाह, कमाल का आदमी है, मोटू तो बहुत कमाल का ही है। ये कैसा खेल है यार, पता नहीं कहां से चले आते हैं। क्यों तुम चुप नहीं रह सकती? क्यों चुप रहूं, रात को उसके साथ थे ना तुम, बोलो। हाँ तो क्या हुआ, तुम जो वहां नहीं थी? ये कोई बहाना नहीं है, मेरे ना होने से मुझे धोखा दोगे?
हेलो मिस्टर एलियस। हाँ भाई, क्या बात है? कुछ भी नहीं। सुनो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, फिर क्यों मुझे परेशान कर रही हो? हाँ हाँ, देख के तो लगता है कुछ ना कुछ किया होगा। आपको पता नहीं, यहाँ से बहुत लोगों ने बहुत कुछ कमाया है। दीवारें बोल रही है कितने लोगों को फायदा हुआ है। वाओ। अरे ये सब बातें तो होती रहेंगी एलन, सबसे पहले हमें वीडियो शूट करना है। वो देखो हमारा हीरो आ गया। ए भाई, क्यों, क्या हो रहा है? मुझे कहाँ तैयार होना है? उस कमरे में। ए मैट, ये एलन है, यहाँ के मैनेजर, साउंड वॉल के। हेलो। हाय, क्या बात है, अच्छी जगह है ये तुम्हारी। मैंने बहुत कुछ सुना है इस जगह के बारे में। हाँ ठीक कहा। वैसे बार कहाँ है? यहाँ बार नहीं है, कुछ ड्रिंक्स का इंतजाम किया है उस टेबल पर। तो एलन बताइए, ड्रेसिंग रूम कहाँ है? हाँ, कमरा वहाँ है। ओके। आप अपनी जगह देख लीजिए, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। ओके। ठीक है। ओके। आजकल के बच्चे बहुत जल्दबाजी करते हैं, काम को जल्दी जल्दी खत्म करने की सोचते हैं। तुम समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? वैसे अब हमें काम शुरू करना है। वैसे अब हम दोनों को अकेले में बात करें। बिल्कुल, काम शुरू कीजिए। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिए, मैं यहीं पर घूमता रहता हूँ। हाँ हाँ, जरूर बुलाएंगे, आप आसपास ही रहिएगा। हे, तुम लेट हो। सॉरी सॉरी, मैं निकलने वाली थी, मॉम का फोन आ गया। ठीक है ठीक है बाबा, जाके जल्दी तैयार हो जाओ। हे भगवान, पता नहीं क्यों आज हर चीज में देरी हो रही है। चलो चलो, सब लोग जल्दी करो, शूट करना है, जल्दी वीडियो शूट करना है हमें। चलिए सब एक ट्रायल करके देखते हैं। ये भी कोई ड्रेसिंग रूम है? कौन हो तुम? मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ। ऐसा क्या? बहुत दिनों से आपसे मिलने की सोच रही थी। ओ तेरी तो, कहाँ चली गई है? फ्रैंक, तुम तैयार कर रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। मतलब कि बात, थोड़ा सा ब्रेक लेना है स्मोकिंग के लिए। ओ ठीक है ठीक है, जरूर जाइए। तुम समझ गए ना, मेरा मतलब इसे संभाल सकते हो ना? हाँ हाँ, मैं संभाल लूंगा। थैंक्स, तुम बड़े अच्छे हो दोस्त। मैं वैसे तुम कौन हो? एली, एक्टर हूँ इस वीडियो की। हाँ। आप जानते होंगे इस वीडियो में आपके साथ मुझे लिया है। कोई बात नहीं, बी कूल। तो अब क्या बात है, यहाँ क्या कर रही हो? एक्चुअली मैं ड्रेसिंग रूम ढूंढ रही थी, मुझे कपड़े बदलने हैं। कूल, कोई बात नहीं। आप यहाँ चेंज कर सकती हो, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। बस ये मिल गया तो मजा आ जाएगा। हे बेबी, तुम यहाँ कैसे? कौन हो तुम? मैं मैरी हूँ। मैरी, तो तुम कोई फैन हो क्या? हाँ ऐसा ही समझ लीजिए। हाँ मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा है। हाँ। तो मैंने सुना है मैट के लिए शूट करने आए हैं वीडियो के लिए। मैट? हाँ मैं उनकी फैन हूँ। खूबसूरत लड़कियों से, वैसे मैं ही असली हीरो हूँ यहाँ का। मुझे पता है तुम हो। तो क्या मुझे तुम्हें शूटिंग पे ले जाना है? हाँ प्लीज। श्योर, कोई बात नहीं। हाँ मैं ले जा सकता हूँ तुम्हें, मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ। तो मैं थोड़ा सा अभी नहीं, बाद में। बाद में ठीक है, बाद में।
हाँ, अभी तुम्हें शूटिंग भी तो करनी है। ओके, शूटिंग तुमसे ज्यादा तो नहीं है, अब चलें। मैं तुझे मार डालूंगा, बस मार डालूंगा। सब बेकार लोग हैं। गन नीचे करो, पहले गन अंदर रखो। पता नहीं कहां से चला। सॉरी मिस पेज। थैंक्स। क्यों, आपको लगता नहीं कि बीयर के साथ साथ कंपनी भी चाहिए? हाँ, वैसे कभी कभी जरूरत पड़ती है। अरे, कोई इस हालत से गुजरना पड़ता है। हाँ हाँ, सब कुछ भूलकर जिंदगी को हमें लाइटली लेना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। क्या कहती हो? शायद तुम ठीक कह रहे हो, बस मैं थक जाती हूँ हर वक्त घूमते हुए, पता नहीं चलता कब कहाँ पर है। अलन कहाँ है? वो तो ऊपर है, तो मैं बताना चाहूंगा कि वो साथ दे रहा है स्काई का। तो सभी जानते हैं कि वो औरतों के पीछे रहता है। जो भी हो। फाइनली इधर आओ, जरा देखो तुम्हें। जाओ जल्दी करो, चलो सेट पे जाओ। बड़ी आई। हाँ, वो तो काम की चीज है ना? पता है, उसके लिए ठीक ही रहोगे बुढ़े। बुढ़ा कहा मुझे? ठीक है, अब काम शुरू करते हैं। अरे डायरेक्टर कहाँ है? पहले उसे बुलाओ। बाप रे, किसी ने वीडियो को देखा है? वैसे मुझे बिल्कुल पता था कि बेकार लोगों को लेंगे तो ऐसा ही होने वाला है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, बस वो तैयारी कर रहे हैं। अच्छी बात है, ठीक है, देखते Frank, हैं। जल्दी उन्हें बुला के लेके आओ। हाँ, अभी बुला के लाता हूँ। थैंक यू। ये कौन साथ में आ गया? पहले से यहाँ पे बेकार लोग भरे पड़े और तुम सेट पर किसी और को लेके आए? प्रोड्यूसर्स सोचते हैं कि सब कुछ उनसे ही चलता है। अरे जेनेट, ये दोस्त है, ये मेरे साथ आई है, ठीक है? और इनका नाम है मैरी। कुछ भी हो, हमें काम करने दो, ओके? तुम हमें कल की तरह काम करना है, चलो वेट। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? अरे चलो भाई, शूटिंग की तैयारी करते हैं। वैसे मैंने कहा था ना कि टॉमी चोंग बेहतर होता इससे। चेट, आपने मुझे काम सौंपा है क्योंकि मैं काम ठीक से करवा लेती हूँ, ओके? हमें कोई भी काम जल्दी और सस्ते में चाहिए, तभी तुम्हें चुना इस काम के लिए। तुम अपने आप को संभाल के रखो, वरना कहीं के नहीं रहोगे, ज्यादा कुछ किया तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, शुरू करते हैं, जैसा कहा वैसे करो। ठीक है, सेट में सब शांत हो जाइए। हाँ, अब कैमरा ऑन। ये क्या हो रहा है? अच्छा छोड़ो, ये सब चलता रहता है। मैं जाके एलन को बुलाता हूँ, देखता हूँ वो कहाँ है। ये क्या है जीनत, तुम्हें यही जगह मिली थी शूटिंग के लिए? सुनिए, कल जो हमने काम किया था उसे खुश थे ना आप, ओके? तभी मैंने इस डायरेक्टर को और इस जगह को लाइक किया है, आपका काम पूरा कर देंगे। पता नहीं सब लोग इस पत्थर जैसे आदमी के पीछे क्यों भागते हैं, वो भी इस काम के लिए। वीर बिल्कुल सही आदमी है इस काम के लिए, ओके? उसका काम परफेक्ट होता है और वो ये वीडियो पूरा करेगा। एलन ने कहा है कि 15 मिनट लगेंगे। ठीक है, हम सब लोग ब्रेक लेते हैं। ये सब छोड़ो, पहले खाने के लिए कुछ मंगाओ। हमने यहाँ पूरी तरह खाने का बंदोबस्त कर दिया है। हाँ क्या, तुम्हें क्या लगता है ये सब मैं खा लूंगा? तुम आओ मेरे साथ। अरे तो अरे 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 भाई, सब ठीक हो जाएगा 20 मिनट में।
वैसे तुम दोनों जल्दी आ जाना सेट पर। हे भगवान। ये सब बेकार काम है। अब तो लगता है मुझे और पैसा खर्च करना पड़ेगा लाइट्स ऑन करवाने के लिए। ये सब क्या है? शट अप, अब मैं तुम्हें मारूंगी। अच्छा मार दोगे? नहीं तुमसे नहीं होगा। एलन कहाँ है? प्लीज ठंडे दिमाग से काम लो। ये मेरा स्टूडियो है, मैं खुद क्यों ना स्टार बन जाऊं? ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब मुझे अपने आप को कुछ बनाना पड़ेगा। अरे ये क्या हो गया? स्ट्रिंग टूट गया? इस टूटे हुए स्ट्रिंग से मैं कैसे रॉक स्टार बन सकता हूं? चलो मैं अपना माउथ ऑर्गन निकालता हूं। अपनी बॉडी दिखाते हुए माउथ ऑर्गन बजाता हूं। वाओ, मुझे पता नहीं था कि तुम ऊपर हो। मैं तो यूं ही बजाता चला गया। बस मैं देखने आई थी तुम क्या कर रहे हो। कुछ नहीं, मैं रॉक एंड रोल म्यूजिक ट्राई कर रहा था, शायद तुम मेरी मदद कर सको। क्या तुम इसमें स्ट्रिंग लगा सकती हो? बजाते हुए टूट गया था। थैंक्स। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैरी। ओह, मैरी हैड अ लिटिल लैम्प। पूरा नाम बताओ। मैरी वर्थ। ओह अच्छा नाम है। कोई बॉयफ्रेंड या हस्बैंड? नहीं कोई नहीं है। होना चाहिए। वैसे कोई हॉबी या मनपसंद चीज? खेल कूद में दिलचस्पी? नहीं किसी खेल में नहीं। मतलब घर में सिर्फ खाना बनाती हो? हाँ। वेल मैरी, ये क्या कर रही हो तुम? क्या है सब? क्यों ऐसे हरकतें कर रही हो? ये मेरे लिए बड़ा दिन है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम सही कह रहे हो, शायद खुशी तब होती जब रात किसी और के साथ नहीं गुजारते तुम। अच्छा तो इस बात से नाराज हो? बिल्कुल इसी बात से नाराज हूँ। तुम्हें कैसा लगता अगर मैं किसी और के साथ रात गुजारती? तो मैं उसे जिंदा गाड़ देता। अच्छा तो यही बात मुझे तुमसे कहनी चाहिए। अरे बस करो, ये बात अलग है। वो कैसे? क्योंकि जब भी तुम मेरे पास आए मैंने अपनाया तुम्हें। अगर ऐसा नहीं करता तो तुम भी किसी और के साथ चली जाती। अब तुम ये बात समझ लो कि जब मैं चाहूँ किसी के साथ भी जा सकता हूँ। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पागल बेशरम लड़की। ये सब तुम क्यों करते हो मेरे साथ?
सॉरी, मुझे पता नहीं था कि कोई अंदर है। कोई बात नहीं, मेरा काम हो गया। आपको डराने का इरादा नहीं था मेरा, मैंने सोचा डोर जाम हो गया। It's all right. Bye. आज रात को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हे मैट, मैं हमारे अगले वीडियो के बारे में सोच रहा था। अगर सब कुछ ठीक ठाक चला तो मैं अपने स्टूडियो में ही ट्रैक डलवा के 6 महीनों के अंदर ही तेरा नया एल्बम तैयार करवा दूंगा। ये सब तैयार करने के लिए 1 साल भी लगेगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि मुझे पता है कि ये ग्रेट मिस्टर मैथ्यू एलायस क्या करने वाला है। वो इंतजार कर रहा है लोगों से कॉन्ट्रैक्ट्स बनवाने के लिए। ये किसी को नहीं बताया, लेकिन कभी बातें में कह दिया कि वो प्लान कर रहा है कि किसी दूसरे प्रोड्यूसर के साथ नया एल्बम बनाने के लिए। क्या? अच्छा ठीक है, राइट। ए मैट, तुम्हारी गर्लफ्रेंड पी हुई है क्या? ये नहीं जानती कि क्या बक रही है। अरे सुनो, ये बात बिल्कुल भी सच नहीं होनी चाहिए। मैंने तुम्हें बनाया है, ये मत भूलना। तुम मुझसे मिलने से पहले तुम कुछ भी नहीं थे, ए बेकार बार में बैंड बजाया करते थे। तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। हाँ, वैसे अब तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ और मेरा दूसरा एल्बम भी रिलीज होने वाला है जो सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर देगा, तो मेरे ख्याल से मुझे तुम्हारे आगे झुकना नहीं चाहिए। समझ गया ना? बेशर्म नाजायज औलाद है। वो नालायक सोचता है कि वो लात मारेगा मुझ पर, मैं उसे दिखा दूंगा कि मैं हार मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं ग्रेट चेटवुड हूं। हाय। हाय, तुम क्यों बुरा लग रहा है? तुम नहीं समझोगी, तुम हैरान हो जाओगे ये जानकी कि मैं क्या कर सकती हूँ। सच में क्या कर सकती हो? तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ ऐसा कुछ वैसा। ऐसा क्या? वैसे मेरा प्रॉब्लम है वो मैट और उसकी गर्लफ्रेंड, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, ये लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? क्या उन्हें तुम मार दोगी? एक मिनट रुको, अगर वो मर गया तो उसका ये एल्बम बहुत बड़ा हिट हो जाएगा। नाटक मत करो जैसे तुम ये नहीं जानते। वैसे मेरे दिमाग में ये बात नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। शिट, मैं सब जानती हूँ तुम्हारे काले दिल के बारे में। मुझसे छुपाने की कोशिश मत करना, तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने लोगों को कुचल डाला है जानती हूँ, और अब तुम्हें मेरी जरूरत है। इसके बदले में मैं सिर्फ एक मदद चाहती हूँ तुमसे। क्या चाहती हो? मैथ्यू एलिस के गले में एक नेकलेस है, वो मुझे चाहिए। नेकलेस? वो तो गले में पता नहीं क्या क्या कचरा पहने फिरता है। देखो, अगर वो सोना हुआ तो मैं कुछ भी करूंगा, इससे आगे भी बढ़ सकता हूँ मैं। मुझे तो वही चाहिए। ओके ओके, वो एक पारिवारिक निशानी है, तो शायद मैं उससे बात करके दिला सकता हूँ तुम्हें। वो ऐसा ही है, इतनी आसानी से नहीं देगा। उसके लिए भी उसके परिवार की निशानी बन गई है। बात यह है कि वो नहीं जानता उसके दादा ने हमारे परिवार वालों से उसे चुराया। मैंने सोचा वो खो गया, लेकिन आज उसके गले में देखने के बाद मुझे लगा वो मुझे मिल जाएगा। तुमने अगर मेरे लिए ये किया तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ, बस काम करने पर मुझे बुला लेना। मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानता। मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। अरे आप यहाँ हैं मिस्टर वुड? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मिस पेज आपको ढूंढ रही थी। अरे क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ यहाँ पर? मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाता हूँ, जेनिस से बोल देना तुम। आप किससे बात कर रहे हैं? मैरी। पर यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ यहीं पर तो थी, मैं कसम खाता हूँ शायद। मिस्टर वुड ठीक है, छोड़िए, मैं समझ सकता हूँ आप परेशान हैं इस वीडियो शूट को लेके, तभी आप इस तरह टेंशन हो रहे हैं। मैं आपके लिए मन बहलाने वाला म्यूजिक लगाता हूँ और एक ग्लास पानी ले आता हूँ, उसे आपको आराम मिलेगा। हाँ शायद, वैसे मैं सचमुच परेशान हो गया हूँ। सुनिए, एक बात याद रखे मिस्टर वुड, मैं मदद करने के लिए ही यहाँ हूँ। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बुलाइए, मैं आ जाऊंगा। थैंक यू माइक जी, मदद करने के लिए जरूर बुलाइए, भूलिएगा मत। हाँ, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सुबह आपके साथ बर्ताव ठीक नहीं किया था,
आप प्लीज माफ कर दीजिए और सेट में जाइए। अब हम लोग दोस्त जाइए जाइए जल्दी जाइए प्लीज। क्यों आप वहाँ स्टेज पर नहीं गए? काम शुरू हो रहा है। जेनित काम करने से पहले कुछ बात करना चाहती है, पता नहीं कितना समय लगेगा। अच्छा तो फिर शुरू होगा शूट और फिर ब्रेक। मुझे तो इसमें बड़ी खुशी मिल रही है। मैं आपका साथ दे सकता हूँ? मेरे लिए कोई ज्यादा काम नहीं है शूटिंग खत्म होने के बाद, मैं जा सकता हूँ। वैसे ये काम मुझे पसंद नहीं है। मुझे भी, मेरा मतलब उन दिनों की बात अलग है जब एक साथ काम करके वीडियो पूरा करते थे। सोचने से बुरा लगता है, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। आजकल तो बिजनेस बन गया है ये। यही तो जमाना भी चाहता है। हाँ, इसका भी नाम हो गया है बहुत कम समय में, क्या कहते हो? सॉरी, पता नहीं ये सब मैं आपसे क्यों कह रही हूँ। ओ कोई बात नहीं, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। मेरे ख्याल में आपने देर कर दी, वो दिन वापस नहीं आएंगे। थैंक्स, मुझे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ सॉरी, वैसे मेरा ये मतलब नहीं था। वो बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, पैसा और नाम भी कमाएंगे। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि मैं उनके साथ नहीं कहना चाहूंगा। कुछ भी हो सकता है। चलो भाई काम करना, मुझे जाना होगा, वो बुला रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं। नहीं, मुझे तो बिल्कुल ये बात पसंद नहीं आई, कुछ और सोचो। मैं छोड़ो ना, अगर वीर ने सोचा है तो हमें ट्राई करना चाहिए। अरे दोस्त चलो यार, इसमें बड़ी बात क्या है? मेरे लिए बड़ी बात है मैं अपने कपड़ों का, अपने बालों का और संगीत में नाम कमाने के लिए बहुत ख्याल रखता हूँ। इन चीजों से भी फर्क पड़ता है, मेरे फैंस को भी यही पसंद है। मैं बेकार काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। सुनिए, आपका नाम बिल्कुल खराब नहीं होगा, मेरी बात मानिए। यहाँ इसी तरह काम कर सकते हैं, कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। अरे भाई, इस जगह के हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। और इस खाली जगह में, इसमें हम अंतरात्मा की बात दिखा रहे हैं और इन खिड़कियों को जेल की तरह शूट कर सकते हैं। यार हमें वीडियो में यही दिखाना है। ये सब बेकार की बातें हैं। चलो भी मैट, एक बार ट्राई तो करते हैं, अगर पसंद नहीं आया तो रीशूट करेंगे। हमारा समय बर्बाद हो रहा है। समय? मुझे तुम्हारे समय की कोई परवाह नहीं है, मैं सोचता हूँ सिर्फ अपने बारे में। और ये बात आप लोग मत भूलना, तुम सब कुछ तैयार कर लो, तब तक मैं थोड़ा सा आराम करके आता हूँ। कम ऑन मैट, काम छोड़ के मत जाओ। शिट। फंस गया मैं, मुझे इनके साथ काम करना ही नहीं चाहिए था। क्यों गुस्सा होते हो? ये तुम्हारे साथ दिखावा कर रहे हैं। तुम क्या समझती हो, ये मैं नहीं जानता। ये जो कुछ कर रहे हैं सब फॉर्मेलिटी के लिए। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा इस वीडियो में, तब ये लोग अपना पैसा वसूल करने में लग जाएंगे। सही कहा, यही सच बात है। इन सब चीजों में समय लगता है और ये तो समय बचा रहे हैं। समय बचा रहे हैं? सच तो ये है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ पर काम करने के कम से कम 20 लोगों की जरूरत है। मैं हम दोनों की बात कर रही हूँ, इन बेकार की बातों से हमारी दूरी बढ़ रही है। तुम अब तक वही लेके बैठी हो। देखो मुझे माफ कर दो, ये सब तो चलता रहता है। हाँ तुम तो वही सोच रहे थे, लेकिन बुरा तो लगता है ना। ओके, तुम्हारी बात भी ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सब कुछ भुलाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन जिंदगी में कुछ भी सच नहीं है। हम दोनों के बीच का रिश्ता सच है। हाँ हाँ तुम ठीक कह रही हो, पता नहीं ये सब कैसे हो गया मुझसे। जवानी का जोश समझो। तुम शायद ठीक हो। रिलैक्स, तुम्हें आराम मिलेगा। अरे क्या हो रहा है यहाँ, शूटिंग क्यों नहीं कर रहे हम? मैट, अब उसे क्या हो गया? मैं उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करता हूँ। और तुम, अगर तुम भी काम करना नहीं चाहते तो जा सकते हो, समझे? आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा? अरे गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? तुमने आखिर मैट से क्या कहा है बताओ? अरे मैंने उनसे सिर्फ गले में से हार निकालने को कहा था, क्योंकि इस गाने से उन चीजों का कोई संबंध नहीं है। चैट, मेरा कहना था कि गाना वो टूटे दिल से गाएंगे, दुखी होके। और ये गहने क्यों दोस्त, बेकार लगेंगे उस पर, नाराज होके चला गया। हाँ मैं समझ गया, वैसे तुम्हारा आइडिया सही है, तुमने ठीक ही किया है। वीड, जेनेट तुम क्या कहती हो? अरे मैं तो यही कह रही हूँ,
तभी मनाने की कोशिश कर रही थी मैट को, लेकिन वो मानी तब ना, क्या आप उन्हें मना सकते हैं? हाँ, कोशिश करके देखता हूँ मैं। मेरे ख्याल से वो ये सब हमेशा पहनते हैं, निकालेंगे नहीं। फिर भी देखते हैं ये सब उतारना वीडियो के लिए बेहतर होगा कि नहीं। मुझे सिर्फ एक मिनट का टाइम दो, मैं उससे बात करके फौरन लौटता हूँ। ठीक है, आप जाके समझाइए। अब क्या हो गया? अरे फ्रैंक, तुमने एलन को देखा? हाँ। नहीं, वो नीचे गया था पावर चेक करने के लिए, बाद में वापस नहीं लौटा। ठीक है, तुम जरा नीचे जाके देखना कि वो क्या कर रहा है, और उनसे कहना कि ये लाइट्स जलाएं किसी भी तरह, और वैसे भी सारे लाइट्स की जरूरत नहीं है इस वक्त। यही सही रहेगा। और फ्रैंक, जब तुम नीचे एलन से मिलोगे तो उनसे जान लेना पावर ब्रेकअप कैसे करते हैं, ताकि फिर से बंद होगा तो तुम खुद संभाल सकते हो। हाँ ठीक है, पर क्यों? एलन को और भी काम है, और ये हमारा काम है। तभी मैं तुम्हें ये काम बता रही हूँ। श्योर, मैं देखता हूँ। जाऊँ, मुझे काम जल्दी चाहिए। हाँ एलन, अब मैं क्या करूँ? तुम कुछ भी करो, जाके आराम करो या कुछ और, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। ओके, मैं जाके कुछ खा के आती हूँ। तुम्हारी मर्जी, तुम जा सकती हो। तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए बेब, सब ठीक हो जाएगा, किसी भी तरह काम पूरा हो जाएगा, देखना तुम। कुछ ठीक नहीं हो रहा, जब काम ठीक से होगा तब शायद मुझे तसल्ली मिलेगी। हाँ, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, मेरे पास आराम दिलाने का तरीका है। हाँ, मुझे चाहिए भी। जीसस! अरे तुम्हें क्या हो गया? ये क्या बोल रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? मैं समझ नहीं पा रही, क्या हो गया, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, मुझे लगा कि मैंने कुछ देखा, मुझे कुछ नजर आया वो। तुम बस थक गए हो और कुछ नहीं है, चिंता छोड़ दो। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे लगा कि मैंने उसे देखा, दैट ब्लडी चिक, लेकिन वो अजीब सी लग रही थी मुझे। सब वो क्या है कि सब सच लग रहा था। तुम बस बहुत थक गए हो, बहुत थक गए हो तुम। ए, सॉरी, डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं मैट से अकेले में बात करना चाहता हूँ। आपको जो कुछ भी कहना है इनके सामने कह सकते हैं। ओके, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि वीट की बातों में सच्चाई है। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या है कि वो गहने वीडियो शूट के लिए इतने जरूरी नहीं है। हाँ भाई, लेकिन बात यह है कि मेरे फैंस ये सब पसंद करते हैं। हाँ 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 हाँ, सच बात है मैट, लेकिन इस सीन में इसे निकालने से ही अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ म्यूजिक जो है दुख से भरा हुआ है, कोई रॉक स्टार की नुमाइश बिल्कुल नहीं है। शायद मेरी बात में दम है। तुम्हें क्या लगता है? शायद ये ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर वीडियो के लिए सही है तो तुम्हें मानना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, मैं निकाल देता हूँ। ऑलराइट, ये सब मैं संभालता हूँ, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो, आप बेफिक्र होके काम कर सकते हैं। ओके, खुश हो ना आप? थैंक्स। एलन, एलन तुम यहां हो? एलन, तुम ठीक तो हो ना? ऊपर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं एलन, यहां बैठे बल्ब चेक करते रहोगे तो कैसे चलेगा? अब जल्दी करो, बहुत समय वेस्ट हो गया है। एलन, शिट। हाय, क्या तुम्हें मिल गया एलन? गाइस, शायद चेट ने आपको मना लिया, आप रेडी हो शूटिंग के लिए? अरे हाँ, मैं कुछ ज्यादा ही झिझक रहा था, पर उनका आइडिया सही है, क्या कहती हो? वाह, बहुत अच्छे लग रहे हो, लुकिंग स्मार्ट। तुम क्या कहती हो स्काई? आहा, कम ऑन, काम करने दो यार। क्या, मैंने क्या किया? सब ठीक है, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। ओके, अब काम पे ध्यान देते हैं। एले, तुम चल रही हो?
हाँ मैं तैयार हूँ। हाँ मैं भी तैयार हूँ। अरे वाह वाह वाह, अच्छा है, स्मार्ट लग रहे हो भाई, वाह। वाह मैट, तुम सच में सुंदर लग रहे हो, तुम्हें क्या लगता है, तुम दिल से कर रहे हो ना? हाँ सब ठीक है, अब जल्दी शुरू करते हैं। आई एम सॉरी, लेकिन क्या हुआ, अब क्या हो गया, अब तेरी प्रॉब्लम क्या है, बता मुझे। वैसे किसी ने मुझे बताया नहीं मुझे क्या करना है। ओह गॉड, तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि वहाँ बैठकर मैट को सुनना है, सुनो, और तुम्हें बीच में कुछ ये कुछ वो करते रहना है, जो भी हो, तुम समझ गई ना, हम पैसा तो दे रहे ना, बस संभाल लेना। हाँ ये सब मैं कर लूंगी, लेकिन आपको इस तरह बोलने की जरूरत नहीं है, पैसों के लिए मैं यहाँ नहीं आई हूँ। ओके, जो भी हो अपना काम ठीक से करना, समझी? ओ ओ ओ ओ ओ, ठीक है, उसे थोड़ा आराम करने दो। सुनो बेबी, मेरे साथ चलो, ठीक है, मैं तुम्हें समझा दूंगा। जैनेट, तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, वो कर लेगी, बस उसे भी चांस देना चाहिए। ओके वाह मैट, तुम भी दोषी बना रहे हो मुझे, शायद तुम्हें तरस आ रहा है उस लड़की पर। मैं उसे जानता भी नहीं, लेकिन हमें नैतिकता से सोचना चाहिए और अपना काम निकालना चाहिए। मैं भी अपने आप को बदल रहा हूँ। ओके, तो काम शुरू करें? मैं तैयार हूँ, मैं चैट की वेट कर रहा हूँ। ठीक है, वो बस आते होंगे, उनके आने तक हम काम शुरू करते हैं। ओके ओके। अरे बेबी तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाय चैट, हाउ आर यू? अरे तुम कहाँ से आ गई यहाँ पर? यहाँ नीचे से। नीचे से आई हो? वहाँ नीचे क्या कर रही थी तुम? सबक सिखा रही थी फ्रैंक को, वो मेरे रास्ते में कांटा बन रहा था और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या तुम मेरा नेकलेस लाए हो? वो तो लाऊंगा मैं, पर तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो जरा बताओ तो? क्या अब मुझे साबित करना पड़ेगा? तुम बाथरूम में चलोगे तो मैं दिखा दूंगी, बस काम होते ही मुझे बुला लेना। ओके। कहाँ गई? अरे कहाँ चली गई मेरी? सुनो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं अभी एक मिनट में वापस आ जाता हूँ। हाँ तुम अपना काम तो शुरू करो। तुम्हें अचानक क्या हो गया? Shut up! मैं कुछ करने जा रहा हूँ, वो सही होगा या नहीं मैं नहीं जानता। क्या क्या है ये सब? Bloody Mary! क्या? चुप रहो! Bloody Mary! Bloody Mary! अरे क्या तुम पागल हो गए? वैसे मुझे नहीं पता। ठीक है, ये सब मुझसे नहीं होगा, मैं तो बस यहाँ से जा रही हूँ। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, वैसे सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर खून कैसा? और खून क्या हुआ? खून? हाँ वैसे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लिपस्टिक है। ओ शूटिंग करो, यहाँ तो सब ठीक ठाक चल ही रहा है ना? ठीक चल रहा है, बिल्कुल नई तरीके से कर रहा है। बढ़िया, आपने फ्रैंक को देखा? फ्रैंक? नहीं, मैंने फ्रैंक को नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। नो, नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। गुड, वैसे ये लोग बिना काम किए बात क्यों कर रहे हैं? अरे समझाओ, उन्हें समझाओ जाके। अब ठीक तो है ना? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक हूँ। मत मानना, अंदर देर हो गई, इतना अच्छा बाथरूम है यहाँ का। हाँ वो छोड़ो, वैसे आपको नहीं? मैरी, मैरी वर्थ। ओ तुमने फ्रैंक को देखा? हाँ नीचे है बेसमेंट में एलन के साथ, उसे तो यहाँ ऊपर बेड के साथ कैमरा चलाना चाहिए था, मैं जाके बुला कर लेके आती हूँ। नहीं वो नीचे दोनों पावर को ठीक करने में लगे हैं, कह रहे थे कि वो ठीक होगा तभी शुरू हो सकता है काम, नहीं तो काम रुक जाएगा। अच्छा ये बात है। तब तेरी की यार, ऐसा नहीं चलेगा, कुछ नए तरीके से काम करने की सोच रहा हूँ। क्या क्या मतलब है तुम्हारा?
वो तरीका काम नहीं कर रहा है। जनरेटर भी खराब हो गया है। ये दो तीन लाइट्स रख के क्या करूंगा मैं? जेनेट, फ्रैंक आया कि नहीं? वो तो नीचे गया है एलन को ढूंढने। ऐसा क्या? हे स्काई, तुम क्यों ना आके लाइट चलाने में मेरी मदद करती? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? अरे चलो ना, हमारी टीम की मेंबर बनो तुम। तुम्हारी टीम मेंबर? मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ, समझ लो तुम। कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मेरी गर्लफ्रेंड से मदद मांग रही हो? वो कोई नौकर नहीं है जो तुम्हारे लिए काम करेगी। नहीं नहीं नहीं, वो क्या है कि जो भी हो, स्काई मेरी गेस्ट है और वो यहाँ काम नहीं करेगी। सुनो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मुझसे जितना हो सकता है। Alright, हमें अपना काम समझ के करना चाहिए। ओ देखो, ये किस देने वाली लड़की है, मदद करेगी, वो तो कुछ भी कर लेगी। किसी भी तरह काम स्टार्ट करो। ओ तुम चुप करो चैट। वैसे तुम लाजवाब हो काम करने में, तो मुझे पसंद आ। आप भी मुझे पसंद आए, लेकिन आपने मुझे समझा ही नहीं। तुम फिक्र मत करो, हर बात के लिए एक समय होता है। बहुत जल्द हम दोनों का मिलन होगा। फिर से कोई नया प्रोग्राम कर रहे क्या? मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। मुझे तुम बहुत पसंद आ गए, बहुत स्मार्ट हो तुम। नेक्स्ट वेंचर में मुझे काम देंगे क्या? अरे यार, वो तो पक्की बात है। अब ये काम पहले कर लें। मुझे भूलेगा नहीं, हमेशा याद रखिए। ठीक है, इसे पकड़ो ना जरा। क्यों ले आए मेरा गहना? मैंने जो कहा वो कर दूंगी, तुम अपना काम पूरा करो। देखो इतना आसान नहीं है, सब लोग यहीं घूम रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा। सबको मैं संभाल लूंगी, पहले मेरा काम करो। ये तुम क्या कर रही हो? क्या हुआ? तुम यहाँ क्या करने आई हो? जाओ शूटिंग संभालो। ठीक है, बस आप किससे बात कर रहे थे? क्या क्या तुम अंधी हो? ओ गॉड, वो कहाँ चली गई? मेरी कहाँ चली गई? मुझे क्या पता है वो कहाँ गई, मैं तो यहाँ बस काम करने आई हूँ, समझे? कौन? क्रिश्चियन? वो क्या तुम ठीक हो? वो मुझे क्या हुआ, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। आप ठीक हो ना? आप चिंता छोड़ो, शूटिंग संभालो, जाओ। बेकार आदमी है ये शेट, उसे तब पता चलेगा जब मैट और हम चले जाएंगे। सिर्फ एक ड्रेसिंग रूम है, ये कैसा स्टूडियो है? ये बेकार स्टूडियो है, टूटा फूटा है। हाय। ओ हाय, हम शायद पहले कभी नहीं मिले हैं। वो क्या है, कुछ गिर गया था, बदलने आई हूँ। कैसा लग रहा है? मेरे ऊपर भी कुछ दाग लग गया था। आई एम स्काई, मेरा नाम मैरीवर्थ है। मैरीवर्थ? मुझे लगता है हम पहले कभी मिले हैं। नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। आप कहीं मैट की रिश्तेदार तो नहीं? मैट के दादाजी की पत्नी का नाम मैरी था, लेकिन वो तो तुम ये लो। वहाँ क्या हो रहा है, सब ठीक तो है? हे भगवान, कुछ सुना है? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। मैंने तो सुना है, मैं जाके देख के आती। नहीं 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 नहीं, मत जाओ, छोड़ दो उसे। छोड़ दो? तुम्हें ये क्या हो गया है? वो वहाँ मैरी है, सब ठीक हो जाएगा। मैरी? वही जो आपके साथ सेट पर बैठी थी, उसका नाम उसने मैरी वर्थ बताया था। या, वही नाम बताया था, लेकिन तो मैं... क्या वो कुछ कर रही है? हाँ, हो सकता है, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। क्या मैट के एल्बम में ये भी एक हिस्सा है? या मुझे लगता है पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। हो सकता है आपने इस एल्बम में उसे लिया मुझे होगा? पता नहीं, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं, शायद मैट लाया मुझे होगा उसे। पता नहीं, बस मैट ही उसे लेके आया होगा, मुझे नहीं बताया। मत जाओ, तुम लोग शूटिंग करो, किसी भी हालत में शूटिंग बंद नहीं होनी चाहिए, वो आ जाएगी। वो कोई डायन तो नहीं है? अरे बापरे, ये क्या है? ये क्या ब्लैक? वही लग रहा है। ये सब दरवाजे के पीछे हो रहा है, और तुम ये जानते हो कि वहाँ क्या हो रहा है? बताओ चार, मैंने तुम्हें वहाँ से आते देखा था, तुम जानते हो वहाँ कौन है? कौन है वहाँ? हाँ, नहीं, बताओ चार, नहीं, 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 नहीं जानता मैं कुछ नहीं जानता। कहाँ है? कहाँ? तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं चैट? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। स्काई, वो कहाँ है बताओ?
अगर तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहते हो तो मैं करने को तैयार हूँ, बस बता दो कि वो कहाँ है। ये सब कुछ मैरी ने किया है। मैरी? क्या मतलब? ये सब कुछ उसी के कारनामे है, सब कुछ। अरे दोस्त साफ साफ बताओ। वो देखो, कोई भी नहीं हिलेगा जैनेट। अरे बाप रे, ओ माय गॉड, जैनेट। दो शर्ट, मेरा वो नेकलेस दे दो। ठीक है, लो लो लो, दे दो उसे। मत सताओ शर्ट, मुझे दे दो। मेरा इम्तिहान मत लो, मुझे मेरा नेकलेस सौंप दो। उससे मेरा पुराना संबंध है, मुझे दे दो। चलो चलो चलो, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। अरे जल्दी, दरवाजा बंद कर लेते। हे भगवान, जरा मेरी मदद करो, इसे वहां रखते हैं। जल्दी आइए। अब कुछ देर के लिए उसे बच सकते हैं। ओह माय गॉड, कितना खून बह गया, अब क्या करें? हमें ये चाकू निकालना होगा। बातें मत करो, पहले चाकू निकालो, निकालो जल्दी। वीट, मेरी मदद करो, इसे जोर से पकड़ो। तुम ठीक कह रहे हो, कुछ करना चाहिए। मैं पकड़ता हूँ इसे। अरे बाप रे, हमें बाहर जाना होगा। चैट, तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। अब मैं क्या बोलूं? क्यों तुमने हमें सच क्यों नहीं बताया कि यहाँ ये सब हो रहा है? वो मैरी वोर्थ है, असली मैरी वोर्थ। वही शैतान मैरी डाइन क्या? हाँ, इसकी कहानी तो मेरे पिताजी ने मुझे बताई थी। नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ कहानी नहीं है, वो तुमसे बदला लेने आई है यहाँ। मैं ये सब नहीं मानता। मैं तो ये सब मानता हूँ भाई। ओह शिट, उसको वो नेकलेस क्यों चाहिए? उसे चाहिए बस। छोड़ो भी, सच्चाई जान के हमें क्या करना है, पहले यहाँ से बच निकलना है। मैं कुछ नहीं जानता बस। कमाल है, हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी हो, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। मुझे वो नेकलेस चाहिए। नहीं दूंगा, अब ये मेरा है। अरे उसे वो नेकलेस वापस दे दो दोस्त। ओके, वैसे भी हम लोग सब मरने वाले हैं। ये लो, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। मैं यहाँ। ये तो मेरा है, मुझे दे दो। और शायद तुम ये लो। मुझे वो नेकलेस दे दो। तुम्हें ये नेकलेस क्यों चाहिए? मुझे वो नेकलेस दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तुम भरोसा नहीं कर सकते, चट को भी तुमने मार डाला। तुम हिम्मत वाले हो, वो डरपोक था। मैं तुम्हें ये नेकलेस बिल्कुल नहीं दूंगा। तुम्हें ये चाहिए ना? लो पकड़ो टाइम। अब मरो इसी के साथ, इसी के तरह से। आईने में देखा था, हम अगर अपनी आंखें बंद करके आईने के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार बोले तो आंखें खोलने पर वो हमारे सामने होगी, और अगर उसे देखकर नहीं डरोगे तो वो तुम्हारा भविष्य बताएगी, अगर तुम डरोगे तो वो तुम्हें मार देगी, मार देगी। मैट, मैट, क्या हुआ इन्हें? हाँ, ये तो मर चुका है। ओह नो। ओह, चलो मेरे साथ, हम यहाँ से निकलते हैं। आओ, डरो मत, आओ मेरे साथ। आराम से, आराम से। माफ करना दोस्त। आज हॉलीवुड की खबरों में एक बुरी खबर है। रॉकस्टार मैट इलियस की मौत हो गई जब वो अपने नए एल्बम को शूट कर रहे थे। उनकी मौत की जांच चल रही है, लेकिन हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम आपको उनकी आखिरी एल्बम रिप केज से आखिरी गाना सुनाते हैं। वो हमेशा हमारे दिलों में बसे रहेंगे। अब सुनिए। Another, no other lover can do what you can. Take off your
you feel that boom boom baby banging on my rib cage, up on my rib cage. Don't you wanna take me now? Take me, baby, yes, I'll be your man. Don't go.
just don't stop, baby, just don't stop. Just don't stop, baby, just don't stop. Don't build your walls, 'cause your bricks will only fall. Open your hands and then lay down your love. Lay down. Hear that boom boom, baby, banging on my ribcage. Do you feel that boom boom, baby, banging on my ribcage? Just don't stop. On my ribcage, just don't stop. On my ribcage, just don't stop. Baby, just don't stop.